नमस्कार दोस्तों, मैं नीरजा कुरेरिया नीरजास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाना सीखेंगे स्पेशल टाइप की पनीर भुर्जी। आपने सिंपल पनीर की भुर्जी तो बहुत बार बनाई होगी, थोड़ा सा इस बार मसालों के साथ हम कुछ खेल करेंगे और एक स्पेशल टाइप की पनीर भुर्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाना सीखते हैं हम ये पनीर भुर्जी। इसे हम किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक आप कढ़ाई को गैस पर रख दीजिए और उसमें 75 ग्राम के करीब बटर डाल दीजिए और इसमें एक टेबल स्पून आप ऑयल डाल दीजिए ताकि आपका बटर जलेगा नहीं। तो बटर और ऑयल को गर्म कर लीजिए। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दीजिए। 1 चम्मच जीरा डालना है हमको। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब आप इसमें कटे हुए कम से कम 1 चम्मच लहसुन के टुकड़े डाल दीजिए। जब लहसुन को हम अच्छे से भूंज लेंगे तो हम इसमें डालेंगे अब 1 चम्मच के करीब अदरक कटा हुआ। अदरक डालने के बाद इसे हम भूंज लेंगे। 2-3 सेकंड को इसको भूंजेंगे हम और इसमें हम 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज हमें बारीक काटना है और मध्यम आकार का प्याज लेना है। प्याज को भी हम नरम होने तक भूंज लेंगे। प्याज अपना पानी छोड़ दे और जल्दी भुन जाए इसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है ताकि प्याज जल्दी भुन जाए। प्याज भुंजने वाली है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने इसमें मसाले लिए हैं 1 टेबल स्पून। हमने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें भुना हुआ पिसा जीरा लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें किचन किंग मसाला लिया है और 1 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। अब ये सारे मसाले हम प्याज में डाल देंगे। प्याज भी हमारी भुन चुकी है देखिए। अब हम इन सारे मसालों को प्याज में डाल देंगे और मसालों को भी हम अच्छे से भूंज लेंगे ताकि मसालों का भी सारा कच्चापन चला और हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। अब हमारे मसाले अच्छे भुन चुके हैं और हम इसमें अब डाल देंगे 2 पिसे हुए टमाटर। टमाटरों को बहुत ज्यादा बारीक ना पीसें, थोड़ा सा दरदरा ही रखें इन टमाटरों को और हम मसाले के साथ इन टमाटरों को थोड़ी देर भूंज लेंगे। अब टमाटर और मसाले सब अच्छे से एक सार हो गए हैं और हमारे टमाटर पकने भी लगे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। कम से कम 1/2 कटोरी पानी इसमें हम डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं और टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और अच्छे से टमाटर भी पक जाएं। अब हम ढक्कन लगा के इसको कम से कम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन निकालेंगे। देखिए हमारे टमाटर पक चुके हैं और तेल ऊपर आ गया है। अच्छे से ये मसाले और टमाटर का प्याज का बहुत अच्छा एक मसाला तैयार हो गया है। अब हमने 250 ग्राम पनीर किस के रखा हुआ है। पनीर को मोटी वाली किसनी से आपको किसना है, जो ग्रेटर होता है वो मोटे छेद वाला हो उसमें से आपको इसको किसना है। और 250 ग्राम पनीर को आप इस मसाले में डाल दीजिए। अब पनीर और जो टमाटर प्याज का ये मिश्रण हमने तैयार करा है मसाले, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने जब ही 1/2 चम्मच नमक डाला था, अब हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे। क्योंकि हम इसमें पनीर और टमाटर मिलाए हैं तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा नमक और मिलाएंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट को धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से उबल जाए और अच्छे से पक जाए, 2 से 3 मिनट आप देख लीजिए, अच्छे से उबाल आ जाए इसमें,
बस, और फिर हमको इसको बंद कर देना है, क्योंकि पनीर को ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा उबालोगे तो पनीर कड़ा हो जाएगा और ग्रेवी अलग दिखने लगेगी, इसलिए हम पनीर को ज़्यादा नहीं उबालेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये स्पेशल टाइप की पनीर की भुर्जी आप खाइए, और ग्रेटेड चीज़ और हरे धनिए से सजाकर इसे सर्व कीजिए। एक बार आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी, और थोड़ा मसालों का तीखापन जो आएगा तो पनीर भुर्जी का स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा। आप इसे रोटी या पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।